भारत में जिस वक्त मतों की गिनती का काम अपने चरम पर चल रहा था और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को रुझानों में प्रचंड जीत मिल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण कर सभी को चौंका दिया। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 1,500 किलोमीटर है और ये परमाणु हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। पाकिस्तान ने कहा है कि सेना की मजबूती और क्षेत्र में स्थिरता के लिए जरूरी है। ये मिसाइल टेस्ट अरब सागर में किया गया। हालांकि इस मिसाइल परीक्षण ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान ने इसके लिए 23 मई का दिन ही क्यों मुकर्रर किया, क्योंकि इस तरह के परीक्षण अचानक से नहीं किए जाते हैं, इनको लेकर कई तरह की तैयारियां करनी होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान को भारत में मोदी की वापसी की संभावना दिख रही थी, लिहाजा उनके डर का ग्राफ बढ़ने लगा था। क्योंकि बहुत दिनों से पाकिस्तानी मीडिया और सेना के बीच मोदी का डर साफ तौर पर समा गया था कि मोदी आएगा तो पाकिस्तान की हालत बेहद खराब होने वाली है। क्योंकि भारत में लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया, इसमें बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक ने अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने खुद चुनावी रैलियों में कहा कि हमने दुश्मन को घर में घुसकर मारा है। वहीं बालाकोट के बाद दोनों देशों के बीच तनाव भी अपने चरम पर पहुंच गया था। इसके बाद हुए चुनाव के दौरान पाकिस्तान की तरफ से केंद्र सरकार, बीजेपी और मोदी को लेकर कई तरह के बयान दिए गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद टीवी पर आकर कहा कि उनकी सेना हर वक्त भारत के हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में इस मिसाइल का परीक्षण इस बात का सीधा संकेत देता दिखाई दे रहा है कि इसके जरिए पाकिस्तान ने कहीं न कहीं भारत को धमकाने की कोशिश की है। पाकिस्तान द्वारा मिसाइल परीक्षण की टाइमिंग इसी तरफ इशारा भी कर रही है। दरअसल बीजेपी को मिली प्रचंड जीत और पीएम मोदी की आतंकियों और आतंकी हमलों पर जवाब देने की नीति ने पाकिस्तान को खौफ में लाने का काम किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने शाहीन का परीक्षण कर अपनी ताकत की तरफ इशारा किया है। वहीं चुनाव में पीएम मोदी को मिली प्रचंड जीत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी इस जीत के साथ भारत पाकिस्तान समेत पूरे क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए काम करेगा।